वेलकम टू स्कावेंडर गाइस, अनदर एपिसोड ऑफ दिस हंट पार्टी। सो आज हंट इवेंट है और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम अनलिमिटेड हंट कॉइंस कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली आप जब बड़े प्लेयर देखते हो तो वो बहुत सारे हंट कॉइंस कलेक्ट करते हैं और अपने सीक्रेट बेस में बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स वो कलेक्ट करते हैं और वो पोस्टर बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं और बहुत ज़्यादा हंट कॉइंस लगते हैं उनको। तो नॉर्मली ये कलेक्ट कैसे करते, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऑटोमेशन। तो उस ऑटोमेशन से आप बहुत सारे हंट कॉइन इजीली कलेक्ट कर सकते हो। मेरे पास अभी 84 हंट कॉइन्स है, मैंने अभी 40,000 हंट कॉइन्स यूज़ किए ताकि आपको पता चले कि कितनी फास्ट हम हंट कॉइन कलेक्ट कर सकते हैं और कितनी तेज़ी से हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना सीक्रेट बेस अपग्रेड कर सकते हैं। ओके, सो इस हंट कॉइन में एक ही ऐसी जगह है जहाँ पे जो पोकेमोन मिल रहा है, पोकेमोन फील्ड है, ये ग्रास फील्ड है। तो ये है वो फील्ड जहाँ से तीनों जगह से ये फील्ड पैक है और एक ही जगह से ये फील्ड खुली है। तो ऐसी जगह आपको ढूंढनी है और जहाँ तक मैंने सर्च किया है, ये एक में ऐसी जगह है जहाँ पे तीनों जगह से पूरी तरह से पैक है और सिर्फ एक ही जगह से आप अंदर बाहर कर सकते हो इसमें। तो ऐसी आपको एक जगह ढूंढनी है। उसके बाद एक सॉफ्टवेयर है, ऐप है, उसका नाम है ऐटो क्लिकर। तो मैं वो ऑन कर देता हूँ। सो ये रहा वो ऐप जिससे आप इजीली हंट कॉइन पकड़ सकते हो विदाउट डूइंग एनीथिंग। सो आपको बस क्या करना है, तो यहाँ पे पहले सेट करना है आपको कैसे करना है। पहले आपको नेविगेशन को सेट करना है। सो मैं नेविगेशन के बटन को सेट करने जा रहा हूँ। इसको क्लिक करो और जहाँ पर अपना नेविगेशन है वहाँ पे ऐसे सर्कल बनाओ। ओके, ये सर्कल इतना अच्छा नहीं बना, मैं फिर से सर्कल बनाता हूँ। मैंने ऑलरेडी सेट करके रखा है, सेव करके रखा है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए ये कर रहा हूँ। ओके, तो ये कैसे सर्कल बनाओ। उसके बाद आपको नेविगेशन चालू करना है। थोड़ा हम अंदर जाते हैं इसके, ये थोड़ा नेविगेशन सर्कल देता हूँ क्योंकि हम फील्ड के अंदर आ गए। ओके, अब ये तीनों जगह से पैक है इसलिए बहुत कम बार ये उस फील्ड से बाहर आ जाएगा। इसलिए ऐसी जगह चूज़ करना जिससे कम से कम हमारा प्लेयर उस फील्ड से बाहर आ पाए, वहाँ पे स्टक हो जाए ताकि वहाँ वही के वही घूम कर वो पोकेमोन को मार सके, पकड़ सके। सो नॉर्मली हंट इवेंट में अगर आप पोकेमोन को मारते हो तो वो बहुत तेज़ी से आपके हंट कॉइन आपको ज़्यादा मिलते हैं हंट कॉइन, क्योंकि वक्त ज़ाया नहीं होता इसमें। तो मैं अभी करता हूँ स्टार्ट। ओके, तो ये देखिए इसने तुरंत घूमना शुरू किया और पहला पोकेमोन आ गया इसमें। अब जैसे ये पहला पोकेमोन आता है आपको स्टॉप करना है, पॉज करना है। अब मैं स्टॉप करता हूँ। ओके, स्टॉप करने के बाद मैं और एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, एक बटन। और आपको वही पोकेमोन चूज़ करने हैं जिनके पास क्विक अटैक है, क्योंकि क्विक अटैक हमेशा फर्स्ट अटैक करते हैं और हंट कॉइन के पोकेमोन इतने पावरफुल नहीं होते, इसलिए आप इजीली क्विक अटैक से उनको मार सकते हो और कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ओके, और नेक्स्ट चीज़ है कि उन पोकेमोन को पूरी तरह से पावर अप करके रखना ताकि परेशानी ना हो। इजीली वो सामने वाला, अगर लेजेंडरी पोकेमोन भी आता है, सामने वाले लेजेंडरी पोकेमोन को भी इजीली मार सके। ओके ओके, मैंने क्विक अटैक को सेट कर दिया है, अब मुझे सेव करना है स्टार्ट। ओके, डिस्प्ले ये ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। अब देखिए मैं कुछ भी नहीं कर रहा, ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड है। ये देखिए, ये देखिए ये घूमने लगा वही के वही। और जैसे ही पोकेमोन मिलेगा, ये मिल गया पोकेमोन, और मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे बस वेट करना है, देखना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये मेरा टच है, दिख रहा है सेंटर में। तो अगर मैं टच करता तो ये टच आपको दिख जाता, अभी मैं टच नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए ये अपने आप चल रहा है, अब आपको कहीं पे भी टच दिखाई नहीं देगा। ये पूरी तरह से ये ऐप ऑटोमेटिकली नेविगेट करेगा और पोकेमोन पकड़ेगा। और ऐसी फील्ड मैंने चूज़ की है कि मेरा प्लेयर उस फील्ड से बाहर नहीं आएगा, अगर घूमेगा भी तो उसी जगह पे घूमेगा। और दूसरी बात, आपको हमेशा थोड़ी थोड़ी देर बाद देखना रहे, देखते रहना है
अगर ये फील्ड से बाहर आता है तो आपको उसको फिर से फील्ड के अंदर ले जाना है, बस इतना ही है। और इसमें बहुत तेज़ी से 100 कॉइन आप कलेक्ट कर सकते हो, बहुत ही फास्ट कलेक्ट कर सकते हो। तकरीबन मैंने एक घंटे में 10,000 100 कॉइन कलेक्ट किए, एक से डेढ़ घंटे में 10,000। और अभी अभी मैंने 40,000 यूज किए हैं आपके दिखाने के लिए, कि मैंने इसलिए यूज़ किए अगर कम 100 कॉइन होंगे अभी मेरे पास तो आप आसानी से पता चलेगा कितने 100 कॉइन आप कलेक्ट कर सकते हो। अब मैंने सिर्फ अटैकिंग को क्यों चूज किया है, मैं कैच क्यों नहीं कर रहा, मैं कैच इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि कैच करने के लिए बहुत वक्त लगता है, बैग सिलेक्ट करना, उसके बाद पोकेमॉन थ्रो होता है, पोकेबॉल थ्रो होता है, फिर वो कैच होता है नहीं होता है, फिर से बाहर आ जाता है, फिर से पोकेबॉल थ्रो होता है, तो उसमें बहुत सारा वक्त जाता है। भले आपको उससे पॉइंट्स मिलते हैं और पॉइंट मिलने के बाद सिस्टम से आपको बाद में बहुत सारे कॉइंस भी मिलते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा वक्त जाता है। और नॉर्मली ये जो क्विक अटैक स्ट्रैटेजी है वो बहुत बढ़िया है क्योंकि इससे आपको वक्त भी नहीं जाता और बहुत तेज़ी से पोकेमॉन मिलते हैं और बहुत तेज़ी से आपके 100 कॉइन बढ़ते रहते हैं। ओके, इसलिए मैंने सिर्फ हंटिंग की स्ट्रैटेजी यूज़ की है इसमें। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ पोकेमॉन कैच की स्ट्रैटेजी। ओके, अब जैसे ही मुझे अगला पोकेमॉन मिलेगा हम पोकेमॉन कैच की स्ट्रैटेजी इस ऑटोमेशन से देखेंगे। ओके, तो मैं अभी कर देता हूँ ये पॉज। ओके, अब मैंने पॉज कर दिया है, मैं स्टॉप कर देता हूँ। अब मैं इससे 2 नंबर को सिलेक्ट करूँगा, बैक नंबर बैक के ऊपर सेट करूँगा, बैक को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद और एक बटन लूँगा। ओके, उसको पोकी बॉल के ऊपर सेट कर दूँगा और एक बटन लूँगा और उसे एक काम करता हूँ पोकी बॉल बैक पोकी बॉल के इस तरफ में रखता हूँ ताकि जैसे ही ऑटोमेटिकली फायर बॉल थ्रो हो। तो इसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारा टाइम जाता है क्योंकि जैसे ही पोकेमॉन आएगा बैक सिलेक्ट होगा, उसके बाद पोकेबॉल सिलेक्ट होगा, इसके बाद पोकेबॉल थ्रो होगा, फिर कैच होगा नहीं होगा, फिर से बाहर आ जाएगा, फिर से पोकेबॉल थ्रो होगा, फिर जाके आपको 100 कॉइन और 100 पॉइंट मिल गए। इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, तो मैं ये भी एक बार आपको दिखा देता हूँ, चेक दिस। तो ये देखा थ्रो हो गया। ओके, एक ही वक्त में कैच हुआ, ये बढ़िया है, तो ये अच्छी बात है कि ये तुरंत एक ही बार में कैच हुआ। लेकिन अगर ये फायर पोकेमॉन नहीं आता तो ये एक ही बार में कैच नहीं होता है, तो कम से कम 3 पोकेबॉल तो थ्रो होते ही है नॉर्मली। ओके, फिर से आर्कनेन आ गया, ये देखिए ऑटोमेटिकली ये बैक सिलेक्ट करेगा, पोकेबॉल सिलेक्ट करेगा और तुरंत पोकेबॉल थ्रो होगा। तो ये फिर से इसने कैच कर दिया पोकेमॉन। तो इसमें बहुत वक्त लगता है, अगर पोकेमॉन अगर सेम टाइप का नहीं है और पोकेबॉल अगर दूसरा कोई पोकेबॉल है तो कम से कम 3 बार। तो ये देखिए अब ड्रैगन ग्राउंड टाइप आ गया, अब देखिए कितना वक्त लगता है पोकेमॉन कैच करने के लिए, क्योंकि आप एक बार में एक ही पोकेबॉल सिलेक्ट कर सकते हो, दो पोकेबॉल सिलेक्ट नहीं कर सकते। ये देखिए बाहर आ गया। तो इसमें जो वक्त जाता है ना वो वक्त अटैकिंग स्ट्रैटेजी में नहीं जाता है, ये फिर से बाहर आ गए। तो ऐसे आपको खेलते रहना पड़ेगा। तो इस स्ट्रैटेजी में आपको बहुत वक्त लगेगा, हर वक्त पोकेबॉल थ्रो होगा कैच होगा, तो इसमें बहुत टाइम भी जाएगा आपका। सर इससे अच्छा है आप क्विक स्ट्रैटेजी यूज। तो मैंने अभी पॉज किया है, स्टॉप कर देता हूँ और एक बटन कैंसिल कर देता हूँ 3 वाला, और उसे फिर से 2 को क्विक स्ट्रैटेजी पे सेट करता हूँ। नाउ लेट्स प्ले अगेन, और इसे देखिए बहुत तुरंत मर जाता है और आपको वैसे भी बहुत तेज़ी से कॉइन मिलते हैं और वैसे भी पोकी पॉइंट आप कलेक्ट भी करते हो तो भी आपको इतने ज़्यादा पोकी हंट कॉइन नहीं मिलते हैं उस पॉइंट के हिसाब से। तो इससे अच्छा है आप ऐसे ही खेलें। आप एक घंटे में तकरीबन मैंने लिटरली 10,000 पोकी कॉइंस तो आराम से एक डेढ़ घंटे में आराम से मैंने कलेक्ट किए, 10,000 आराम से कलेक्ट होते क्योंकि बहुत तेज़ ये घूमता है और बहुत तेज़ी से पोकेमॉन मिल जाते हैं हमें। क्योंकि मैं अभी पॉज करता हूँ, अब ये देखिए अब मेरा थोड़ा सा ये फील्ड के बाहर आ रहा है, ये देखिए, तो मैं इसे थोड़ा अंदर की तरफ ले जाता हूँ और फिर से लेट्स स्टार्ट।
तो इतना ही आपको बस ध्यान रखना है कि ये फील्ड से बाहर ना आए, ओके। और इसमें इतना ही है, नॉर्मली ये सारे बड़े प्लेयर्स यही करते हैं और इसी की वजह से इनके पास बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स भी होते हैं और बहुत पावरफुल पोकेमॉन होते हैं। और ये हंट कॉइन का बहुत बढ़िया है, आप बहुत तेज़ी से आपके पोकेमॉन को पावर अप कर सकते हो, बहुत तेज़ी से अपने पोकेमॉन को ज़्यादा से ज़्यादा पावर अप करके आप बढ़िया बढ़िया बैटल्स कर सकते हो, ओके। और हंट कॉइन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो बहुत बड़े पोस्टर है वो बहुत एक्सपेंसिव है, इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि आपके पास ऐसी स्ट्रैटेजी यूज करने के अलावा ऑप्शन ही नहीं है, आप इतने हंट कॉइन कलेक्ट कर ही नहीं सकते। अगर आपको VIP लेवल नहीं लेनी है तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, अगर VIP लेवल अगर आपने ली फिर भी आपको हंट कॉइन कलेक्ट तो ऐसे ही करने पड़ेंगे, भले आप कितने भी बड़े VIP लेवल पिक क्यों ना हो, शायद आपको चांसेस ज़्यादा मिलेंगे, टिकट ज़्यादा मिलेंगे, पॉइंट्स ज़्यादा मिलेंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। तो आपको इसी तरह पोकेमॉन हंट कॉइन कलेक्ट करने होंगे और बहुत तेज़ी से इससे हंट कॉइन कलेक्ट होते हैं। तो ये देखिए तकरीबन मैंने 500 कॉइन कलेक्ट कर लिए हैं 2 मिनट में, सिर्फ 2 मिनट्स में क्योंकि जो हंट अभी जो आपको हंट पॉइंट दिख रहे हैं हंट कॉइंस, ये देखिए मैं पॉज कर देता हूँ ताकि आप देख सकें। सो अभी आपको जो हंट कॉइंस दिख रहे हैं, भले आप पोकेमॉन कैच करो या सिर्फ उनको मारो, आपको अभी इतने ही हंट कॉइन मिलेंगे क्योंकि कैच करने के बाद भी आपको अभी इसी वक्त इतने ही हंट कॉइन मिलेंगे, मारने के वक्त भी उतने ही मिलते हैं। बस जब हंट इवेंट ख़त्म होता है तब आप जाके सिस्टम से आपको पॉइंट के हिसाब से हंट कॉइंस मिलते हैं। इसलिए देखिए इस स्ट्रैटेजी से मैंने सिर्फ 2 मिनट में, भले कैच करने में थोड़ा वक्त गया फिर भी 2 मिनट में हमने 500 कॉइंस कलेक्ट कर लिए, 500 कॉइंस। और आप कोई भी फील्ड चूज़ करो तकरीबन सेम ही रहे थे पोकेमॉन्स और उनके कॉइंस और उनके स्पॉन की जो जो चीज़ें हैं किस तरह से स्पॉन होंगे वो तकरीबन सेम ही रहता है। अगर लेजेंडरी फील्ड होगा, अगर लेजेंडरी यहाँ पे नॉर्मली एंटा स्पॉन होता है, अभी ये लेजेंडरी नहीं है यहाँ पे कोई, लेकिन अगर लेजेंडरी ये स्पॉन होता है जिस फील्ड में, उससे भी आपको मारने के बाद 100 हंट कॉइन मिलते हैं, कैच करने के बाद भी 100 हंट कॉइन मिलते हैं, बस पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, इतना ही है। तो ये बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी और बहुत तेज़ी से वर्क करता है ये, और बहुत बढ़िया वर्क करता है। मैंने एक ही दिन में 40,000 कलेक्ट कर लिए थे एक ही दिन में, और आपको एक ही बार करना है और इससे पोकेबॉल भी वेस्ट नहीं होंगे आपके, और बहुत सिर्फ 2 दिन के लिए होता है हंट इवेंट, इसलिए ये बढ़िया स्ट्रैटेजी रहेगी। सो अगर आपको ये करना है तो ये ज़रूर आप कीजिए, लेकिन बेस्ड ऑन योर ओन रिस्क, ओके। और मुझे ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा, कैसी स्ट्रैटेजी लगी, क्योंकि सारे प्लेयर्स यही यूज़ करते हैं लेकिन कोई दिखाता नहीं है, मैंने खास आपके लिए दिखाया ताकि आप भी बहुत बढ़िया तरीके से पावर अप कर सके, लेवल अप कर सके इस गेम में, ओके। सो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना एंड सपोर्ट दिस स्काई फाइंडर सीरीज, ओके। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।